निर्भया भी नहीं है सुरक्षित, निर्भया स्क्वाड पर हमला, महिला कांस्टेबल की नाक पर क्लिप से किया वार। गलतागेट इलाके में स्थित सार्वजनिक पार्क में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए निर्भया स्क्वाड में तैनात महिला कांस्टेबल को टोकना भारी पड़ गया। गुस्साए युवक ने लोहे की क्लिप पहनकर महिला कांस्टेबल की नाक पर घूसा मारकर चोटिल कर फरार हो गया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि निर्भया स्क्वाड में तैनात महिला कांस्टेबल सोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटनाक्रम के मुताबिक वह अपनी महिला कांस्टेबल साथी संजना के साथ बाइक से गश्त कर रही थी। दोपहर करीब 1 बजे रघुनाथ कॉलोनी दिल्ली रोड पर राहगीरों ने उन्हें बताया कि ग्रीन वैली पार्क में एक लड़का बैठा है जो लड़कियों में महिलाओं को देख रहा है। सूचना पर पार्क में महिला कांस्टेबल सोनू व संजना पहुंचे। वहां बिना मास्क लगाए बैठे युवक से उसका नाम पता पूछा। पूछताछ में उसने अपना नाम लोकेश कुमार निवासी पहाड़िया चौक मंडी खटीकान बताया। कोरोना गाइडलाइन की पालना के बारे में कहने पर गुस्साए युवक ने अपनी जेब में रखी लोहे की क्लिप को पहन महिला कांस्टेबल सोनू के नाक पर वार कर दिया। महिला कांस्टेबल को घायल कर युवक वहां से भाग गया, जिसका पीछा कर साथी महिला कांस्टेबल ने पकड़ने का प्रयास किया। बाइक लेकर भाग रहे बदमाश को पकड़ने पर वह सड़क पर गिर गया। मौके पर बाइक छोड़कर आरोपित पैदल ही भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपित युवक की बाइक को जब्त कर थाने पर खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ राजस्थान।